देखो, झंडे और विचार के लिए खून बहाने वाला सबसे पहला जय हिंद सर। बलराम सिंह, तुम अच्छी तरह से जानते होगे कि तुम्हें यहां किस लिए बुलाया गया है। हमें शिकायत मिली है कि 25 फरवरी को किशनगढ़ में तुम्हारी ही निगरानी में पुलिस ने बेगुनाह, गरीब और निहत्थे किसानों, औरतों और बच्चों पर बड़ी बेरहमी के साथ गोलियां चलाईं, जिसमें कम से कम 60 आदमी मारे गए और कई लोग घायल हुए। क्या ये सच है? जी हाँ डीजी साहब, ये बिल्कुल सच है। तो तुम मानते हो कि तुमने 60 बेगुनाहों का खून किया? हमरे कुछ मानने से पहले आप ही जानने की कोशिश करें डीजी साहब कि उस सैकड़ों लोग किशनगढ़ में काहे जमा हुए थे। ओहो, ये प्रजातंत्र है बलराम सिंह, और प्रजातंत्र में लोगों के इकट्ठे होने पर कोई पाबंदी नहीं होती। मगर ऐसा काम के लिए इकट्ठा होना जुर्म है डीजी साहब, जो सरकार के खिलाफ हो। और वो कृष्णा किशनगढ़ में गांव वालों को सरकार के खिलाफ फड़का रहा था। ये वही कृष्णा है जो इंस्पेक्टर प्रभु सिंह की हत्या करके फरार हो गया था? बहुत सही पहचाना डीजी साहब, वो वही हत्यारा डाकू कृष्णा है। जब हमें पता चला कि वो किशनगढ़ में आया है तो हमने जाकर उसे घेर लिया, लेकिन ये सब गांव वालों ने उसे पुलिस से भगाने के लिए हम सब पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें बहुत से पुलिस वाले घायल हुए, उनमें से हम भी एक हैं। ये देखिए, देखो, देखा है? अगर हम वो बखत पीछे हट जाता या कृष्णा के साथियों को हमले की छूट दे देता, तो पुलिस फोर्स का सिर्फ हौसला ही नहीं टूटता, बल्कि उन डाकुओं की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती। इसीलिए हमने वो बखत सही फैसला करके गोली चलाने का हुक्म दे दिया। अगर आप लोग इसे जुर्म समझते हैं, हमारा जुर्म समझते हैं, तो हमें जो चाहे सजा दे सकते हैं। डीजी साहब, हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। जय हिंद।